22 जनवरी को अयोध्या में जश्न का माहौल रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर हर राज्य का पुलिस प्रशासन काफी चौकन्ना है। हर राज्य की पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील क्षेत्रों में इंटेलिजेंस और क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में सभी पुलिस कर्मियों के घर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार को आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान झूठे, भड़काऊ और फर्जी संदेशों के फैलाव को रोकने के लिए अखबारों, टीवी चैनलों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से मना किया गया है जो झूठी हो, छेड़छाड़ की गई हो या जिससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव या शांति भंग होने की संभावना हो। ग्वालियर के व्यापार मेले की तर्ज पर अब उज्जैन में भी व्यापार मेले का आयोजन होगा। इसमें वाहनों की बिक्री के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉल लगेंगे। वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। मेला MSME द्वारा लगाया जाएगा, जो कि कालिदास अकादमी के पीछे PGVT ग्राउंड के 8 हेक्टेयर में लगेगा। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बड़वारा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक युवती अपने परिजनों के साथ बड़वारा थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी आप बीती बताते हुए 3 आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया है। कार सेवकों और उनके परिवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएगी भाजपा सरकार। दरअसल मध्य प्रदेश के कार सेवकों और उनके परिवार को भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने ले जाएगी, जिसकी घोषणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने की है। श्री राम राहगिरी में प्रभु भक्ति में रमे नजर आए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला हन्यारी जैसे भजन गाए। मुख्यमंत्री राहगिरी के दौरान यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने हाथों से गदा और लठ घुमाने के साथ ही पंजा भी लड़ाया। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी, आदेश हुआ जारी। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को मांस मछली की दुकानें बंद की जाएंगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सुंदरकांड से गूंजते हुए राममय हुआ जेल परिसर, सभी धर्म के कैदियों ने जपा राम नाम। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की जिला जेल भी प्रभु के नाम से राममय होती नजर आ रही है। दरअसल यहां की जिला जेल में प्रशासन के द्वारा रविवार सुबह बंदियों के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया गया था। ग्वालियर में एक शख्स ऐसा है जो पिछले कई सालों से सड़कों को साफ करते हुए स्वच्छता का संदेश दे रहा है। जहां आम लोग सड़क या चौराहों पर गुटखा या पान की पीक थूकते हैं, तो वह उस गंदगी को ब्रश से साफ करता है।